नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर हमें कहीं ये पढ़ने या सुनने को मिलता है कि कोई सरकारी कंपनी नुकसान में जा रही, तो हम ये मान बैठते हैं कि वो कंपनी अपने सही दिशा में है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई कंपनी सरकारी है तो उसे नुकसान में ही जाना है। और ये धारणा हम आम जनमानस में इतना ज्यादा फैल चुका है कि इस धारणा का जो हर्जाना है वो हम और आप ही भर रहे हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। ऑलमोस्ट सारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है वो नुकसान में जा रहे हैं और हमें ये बताया जाता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन नुकसान में जा रहे हैं इसलिए उसे बेचना बेहद जरूरी है और हम मान बैठते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं MTNL के बारे में कि किस तरीके से MTNL आज के डेट में एक डूबता हुआ जहाज है और इसको बचाने के लिए कोई खास अटेम्प्ट भी नहीं किया जा रहा। किसी टाइम पे BSNL, MTNL या इनके जैसे और भी कंपनीज भारत की शान हुआ करती थी और आज ये सभी कंपनीज ऑन पेपर ऑफ पेपर्स एक डूबता हुआ जहाज है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन सब कंपनीज को बेचा जा रहा, क्योंकि हम आम आदमी ये मान बैठे हैं कि सरकारी कंपनी है तो वो नुकसान में ही जाएगी। लेकिन हम ये नहीं पूछते हैं कि अगर कोई चीज नुकसान में जा रहा तो उसके पीछे का वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी को जानबूझकर नुकसान में भेजा जा रहा ताकि किसी और को फायदा पहुंचाया जाए। अगर आप सिंपली अखबार भी पढ़ना शुरू कर देते हैं आज से, तो आपको बहुत सारी चीजों समझ में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर किसी एक टेलीकॉम कंपनी का पतन होता है तो किसी को उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि MTNL या BSNL ये सभी किसी ना किसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर MTNL या BSNL को नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको फायदा पहुंचता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जियो हो गया या ऑलमोस्ट जो सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज भारत में ऑपरेट करते हैं उन्होंने अपना जो चार्जेस है उसको बढ़ा दिया। अब लोग BSNL की तरफ मूव तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखना और भी इंटरेस्टिंग है कि BSNL क्या उतने जो कस्टमर्स उनके पास आएंगे उनको किस तरीके से सर्व करते हैं। क्योंकि अगर BSNL अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा या इनफैक्ट MTNL अगर अपने आप को समय दर समय इम्प्रूव नहीं करेगा तो वो क्वालिटी वो दे नहीं पाएगा। एज अ रिजल्ट ये होगा कि जो इनके कस्टमर्स होंगे वो कोई और ऑल्टरनेटिव देखेंगे। 1 अप्रैल 1986 को MTNL को एस्टैब्लिश किया गया था और इसके पीछे का वजह था कि जो हमारे मेट्रो सिटीज है उसको कनेक्ट किया जाए और जो कम्युनिकेशन है उसको जल्दी किया जाए। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी भी देश के पास बेहतरीन रोड होते हैं या टेलीकम्युनिकेशन के जरिए होते हैं तो उससे जो देश का प्रगति होता है वो और भी जल्दी होता है। यही सब कुछ मोटिव के साथ MTNL को बनाया गया था या मार्केट में लाया गया था। लेकिन आज के डेट में MTNL के पास अपने इम्प्लॉयज को या इनके जो शेयर होल्डर्स है उनको इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं है और आज इनका स्थिति इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि ये अपने जो लोन है उसमें डिफॉल्ट कर रहे हैं। और ये जो लोन डिफॉल्ट हो रहा इसका जो पैसा है वो सरकार भरेगा। क्यों? क्योंकि MTNL को सरकार का बैकिंग है। कहने का मतलब है कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरकार का बैकिंग है और हम सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं डूबेगा क्योंकि इसको बैकिंग मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी तरीके से बैकिंग मिला हुआ है MTNL को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सारे जो पैसे डिफॉल्ट होंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो हर्जाना है वो आपके हमारे जेब से जाएगा, भले हम इस चीज को डायरेक्टली ना समझ पाए। किसी टाइम पे भारत के पास 300 से भी अधिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हुआ करते थे, लेकिन जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से सरकार इसको कुछ 24-25 के आसपास लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। और ये हमारे सामने 2021 का आर्टिकल है जहां पे हमें ये बताया जाता है कि ये सारे जो PSUs हैं वो नुकसान में चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारे आपके फैमिली में कोई बच्चा अगर थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, किसी ट्यूशन टीचर के पास उसे ज्वाइन किया जाए ताकि वो बच्चा इम्प्रूव करे। हम ये नहीं करते कि हम उस बच्चे को पढ़ना बंद करवा देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है, गवर्नमेंट हमें ये नहीं बता रहे हैं कि अगर वो PSUs नुकसान में जा रहे हैं तो उसके पीछे का वजह क्या है। अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसके पीछे का वजह क्या है। तो इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल करके जितने भी जो आज नॉन प्रॉफिटेबल PSUs है उसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेकिन बात होती है इंटेंशन की। अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है तो आपको लगेगा कि उस एसेट को बेच दिया जाए और ये देश को बताया जाए कि उस नुकसान हो रहे PSU को बेचने के बाद हमें कितना फायदा हुआ। अगर PSU बिकता रहेगा तो जो इम्प्लॉयमेंट का दर है वो घटता रहेगा और जितने भी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको बेनिफिट होता रहेगा। ये था इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और डेटा के साथ ये बताया गया है कि आज के डेट में MTNL के ऊपर कितना लोन है और उस लोन को रीपे करने के लिए इनके पास कोई रेवेन्यू का जरिया नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आज के डेट में हम सब 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे अभी भी ढंग से MTNL या
BSNL कह लें, इनके सर्विसेज अच्छे नहीं है। तो जो बहुत ही बेसिक सवाल है, क्या MTNL के पास वो क्षमता नहीं है, और अगर वो क्षमता नहीं है तो वो क्षमता क्यों नहीं है? अगर BSNL अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया तो वो क्यों नहीं कर पाया? जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या जो सफिशियंट इन्वेस्टमेंट करना था वो किया गया है या नहीं किया गया है? या इम्प्लॉयज को जिस तरीके से हायर करना चाहिए वो हायर किया गया है या नहीं किया गया है? हम आम जनता इतना ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में इंडल्ज रहते हैं कि अगर हमारे बीच कोई इस तरीके से डेटा को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा तो हम ये मान बैठते हैं कि ये हो ना हो किसी ओपोजिशन पार्टी को बिलोंग करता है। इसीलिए ये जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर सवाल उठा रहा और उसको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा। जब कोई भी सरकारी कंपनी अपने प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसको कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन। ये वही, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लें कि आपके पूर्वजों के द्वारा आपको बहुत सारे जमीन दिए गए थे और आप उस जमीन को बेच के फॉर्च्यूनर या थार जैसे गाड़ी को खरीद रहे हैं और अपने लोकेलिटी में नंबर बना रहे हो और कह रहे हैं कि आप कितने रईस हैं। ये हो सकता है कि कुछ पार्ट टाइम आपके जेब में पैसे रहेंगे, आप थोड़े से नंबर बना लेंगे, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने MTNL में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है या जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट देने के लिए भी MTNL के पास पैसे नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे डालते हैं, तो आपको वहां से कुछ एक सर्टन पैसे मिलते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आज के डेट में MTNL इतना ज्यादा कंगाल हो चुका है कि इनके पास इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो आप समझिए कि MTNL हो गया या इनके जैसे और भी जो कंपनीज हो गए, इनमें फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो जब इनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो जो रेवेन्यू क्रिएट करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो और भी कम होते रहेंगे। हम भारतीयों को ये खूब याद आता है कि नीरव मोदी हो गया या विजय माल्या हो गया, वो देश का पैसा लेके चला गया। लेकिन कभी आप ये सवाल पूछे हैं कि अगर नीरव मोदी या विजय माल्या, अगर उनको लोन दिया गया था तो किस बेसिस पे लोन दिया गया था, और अगर सिस्टम से उतने बड़े पैसे डेबिट होते हैं या निकल हैं या किसी को लोन अप्रूव होता है, तो ये क्या बिना एक हायर अथॉरिटी के मिले हुए ये लोन कभी सैंक्शन हो सकता है? तो जब आप इस टाइप के न्यूज को इन डेप्थ तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंप्लीट तरीके से एक सिस्टमैटिक फेलियर है जिसमें ऑलमोस्ट सभी के अपने पार्टिसिपेशन है। साल 2022-23 का अगर आप डेटा देखेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 29,000 करोड़ का MTNL के ऊपर लोन है या कहले डेट है, जो कि लिया गया है सरकारी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जो इनके शेयर होल्डर या बॉन्ड होल्डर्स हैं। तो किसी भी तरीके से अगर MTNL इस पैसे को नहीं दे पाएगा तो किसका नुकसान है? तो बैंक का नुकसान है, जो शेयर होल्डर्स है उसका नुकसान है, या इन शॉर्ट आप समझ लें तो इस देश का नुकसान है। क्योंकि हमारे पास जो बैंक में पैसे हैं वो एज इट इज पड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमें तो नुकसान हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर देश नुकसान में जाएगा तो आपके जो पैसे बैंक में रखे हुए हैं वो भी नुकसान में ही जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में MTNL को जो नुकसान हुआ था वो 2,910 करोड़ हुआ था, वहीं 2022 में जो नुकसान हुआ था वो 2,602 करोड़ हुआ था। तो कहने का मतलब है कि हर साल MTNL का जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ जा रहा, और इसको ऑन पेपर्स इस तरीके से दिखाया जाएगा क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिटिंग एसेट बन चुका है, तो इसलिए इसे बेचना बेहद जरूरी है। अगर आप सिंपली हर रोज अखबार ही पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फेल किया जाता है ताकि इसका जो बेनिफिट है वो किसी और को मिले। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।